तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे इंडियन मार्केट के टॉप 3 स्मार्टफोन जो दोस्तों आपको वैसे तो 20,000 रुपए से भी कम में देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन बेस्ट फ्लैगशिप फीचर्स देने वाले स्मार्टफोन है जो आपको 20,000 से भी कम में देखने को मिल जाते हैं। सो आज की वीडियो में इन्हीं 3 स्मार्टफोन की हम बात करने वाले हैं। सो अगर आप बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो इन 3 में से ही एक स्मार्टफोन लीजिएगा अगर आपका बजट 20,000 से भी कम है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो बात करें दोस्तों लिस्ट में आने वाले अपने सबसे पहले स्मार्टफोन की, जो कि दोस्तों एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ, मोटो G62 5G। ये स्मार्टफोन दोस्तों लेटेस्ट कैसे है क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन 19 अगस्त 2022 को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर काम करता है और स्मार्टफोन में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर दिया गया जो कि 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड पर काम करता है और 8 नैनोमीटर पर यह बेस्ड है। और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले है जो कि देख सकते हैं IPS LED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट देती है डिस्प्ले, यानी कि कमाल की डिस्प्ले आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। और वहीं उसी के साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बैक पेटल पर स्लॉट कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है जिसमें मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, 8 का एक वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट पे दोस्तों इसमें 16 मेगापिक्सल की बीच में पंच होल डिजाइन वाली सेल्फी देखने को मिल जाती है। उसी के साथ दोस्तों 5000mAh की बैटरी है जो कि 20 वोल्ट के चार्जर के साथ आती है। 1TB तक का स्टोरेज के अंदर एक्स्ट्रा SD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर है और डॉबली साउंड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फीचर्स दोस्तों इस मोटोरोला के नए स्मार्टफोन के काफी अच्छे हैं, लेकिन उससे फीचर अच्छे हैं उससे ज्यादा तारीफ करी गई है कुछ टेक यूट्यूबर्स की तरफ से। शायद आप उनका नाम भी जानते होंगे और शायद आपने वो वीडियो देखी भी होगी। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन एक बेसिक स्मार्टफोन कह सकता हूं। टॉप 3 लिस्ट में क्यों है आप इसके लिए भी बता दूं, क्योंकि दोस्तों ये मोटोरोला का एक लेटेस्ट फोन है, एंड्रॉइड 12 पर काम करता है और साथ ही इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है। डिस्प्ले अच्छी नहीं है इस स्मार्टफोन की इस प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं, लेकिन इस प्राइस रेंज में इसकी कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है। मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ एक कमाल का स्मार्टफोन आता है, इसलिए आप स्मार्टफोन को ले सकते हैं। टॉप 3 लिस्ट में इसलिए ये स्मार्टफोन बना भी हुआ है। और अगर इसकी स्मार्टफोन की कीमत की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की कीमत 17,999 रुपए है, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। स्मार्टफोन दोस्तों ये काफी कमाल का है, मैं इसलिए खास ज्यादा क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई है, इसके अंदर IPS LED डिस्प्ले दी गई है। एमोलेड दी जाती तो शायद ये स्मार्टफोन कतई खतरनाक होता, लेकिन इसमें भी बेस्ट स्मार्टफोन है हमारी टॉप 3 लिस्ट में मोटो G62 5G आ जाता है। अब बात करें दोस्तों अपने दूसरे स्मार्टफोन की। सो हमारी लिस्ट का अगला स्मार्टफोन दोस्तों पोको की ब्रांडिंग के साथ है, पोको X4 Pro। दोस्तों ये स्मार्टफोन एक कमाल का फोन है जो कि लॉन्च हुआ था 5 अप्रैल 2022 को इंडियन मार्केट में। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है और इसी के साथ कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर इसके अंदर भी देखने को मिलता है, वही 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड वाला, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर होंगी मोटो G62 5G की और पोको X4 Pro की। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच की एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ और साथ ही दोस्तों आपको इसके अंदर 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने मोटोरोला के स्मार्टफोन में कहा था कि उसके अंदर एमोलेड नहीं दी गई है, इसीलिए वो स्मार्टफोन थोड़ा सा पिछड़ जाता है थोड़ा सा, लेकिन स्मार्टफोन में दी गई है एमोलेड डिस्प्ले और साथ ही साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में बैक के 3 सेंसर हैं, मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, 8 का वाइड लेंस, 2 का माइक्रो लेंस, फ्रंट में 16 की सेल्फी हुई पंच होल डिजाइन के साथ और उसी के साथ दोस्तों 5000mAh की बैटरी, 67 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, 1TB तक का स्टोरेज एक्स्ट्रा इसके अंदर भी बढ़ाया जा सकता है SD कार्ड के जरिए और साथ ही दोस्तों साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें भी देखने को मिल जाता है। और बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत की, क्योंकि फीचर्स दोस्तों पोको X4 Pro के कमाल के हैं, तो इसकी कीमत है 18,999 रुपए, 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। इसका ये बेस वेरिएंट है, आगे वेरिएंट आते हैं, लेकिन इसके बेस वेरिएंट की कीमत यही है 18,999 रुपए। दोस्तों मोटो G62 5G की कीमत कम है क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन में फीचर्स भी कम है और स्मार्टफोन के फीचर्स ज़्यादा हैं इसलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा है। लेकिन बात करेंगे वीडियो के आखिरी में कि बेस्ट कौन सा है, क्योंकि पहले तीसरे स्मार्टफोन की बात करेंगे फिर दोस्तों देखेंगे कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको लेना है एक जबरदस्त स्मार्टफोन 20,000 से कम की कैटेगरी में। बात करें दोस्तों तीसरे और आखिरी स्मार्टफोन की, तो लिस्ट का तीसरा और आखिरी स्मार्टफोन भी दोस्तों हमारा मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ है, मोटोरोला S20 Fusion। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था 27 अगस्त 2021 को इंडियन मार्केट में। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर रन करता है और इसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 800U प्रोसेसर जो कि दोस्तों 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड देता है और 7 नैनोमीटर पर यह प्रोसेसर बेस्ड है। गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी कमाल की होने वाली है। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का एक OLED पैनल दिया गया है जो कि दोस्तों 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आपको HDR 10 प्लस की सपोर्ट भी दे देती है। डिस्प्ले कमाल की है इस स्मार्टफोन की, क्योंकि दोस्तों ये मोटोरोला की एज सीरीज से है, एज सीरीज में डिस्प्ले
अच्छी ही दी गई है। सभी एज सीरीज के स्मार्टफोन में आपको OLED पैनल ही देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरे की, तो बैक पे दोस्तों इसमें वैसे तो 3 ही सेंसर दिए गए हैं, लेकिन इसका मेन सेंसर है 108 मेगापिक्सल यानी कि 108 मेगापिक्सल का, दूसरा सेंसर 8 का वाइड है और 2 का डेप्थ सेंसर। फ्रंट में इसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। वहीं 5000mAh की बैटरी है जो कि 30 वोल्ट के चार्ज के साथ आती है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और स्मार्टफोन में भी 1TB तक का स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है SD कार्ड के जरिए। और अगर कीमत की बात करें इस स्मार्टफोन की, तो इसकी कीमत 18,999 रुपये है, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि मोटो G62 5G की आपको देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों अब आप कन्फ्यूज होंगे कि कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए, क्योंकि दोस्तों तीनों ही स्मार्टफोन मेरी नज़र में तो कमाल के हैं इस कैटेगरी से, 20,000 से कम की कैटेगरी से। लेकिन आपको कौन सा लेना चाहिए, क्या पता आपको वीवो या ओप्पो में से कोई पसंद आता हो या सैमसंग में से आता हो, लेकिन टॉप 3 तो यही है। लेकिन अगर आपको उन कैटेगरी से फ़ोन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अलग से वीडियो में बात करेंगे टॉप 3 सैमसंग या टॉप 3 ओप्पो वीवो, जो भी आपको पसंद हो उस बारे में। लेकिन इन तीनों में से एक स्मार्टफोन की अगर हम बात करें, तो दोस्तों कीमत को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, तो पोको X4 Pro 5G एक कमाल का फ़ोन है, जो कि कमाल के फीचर्स के साथ आता है। लेकिन एक लेटेस्ट फ़ोन की अगर हम बात करें, तो वो दोस्तों है मोटो G62 5G। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के बात कर रहे हैं, लेकिन इतना खास वो फ़ोन नहीं है एमोलेड डिस्प्ले की वजह से। लेकिन अगर आप एमोलेड डिस्प्ले को नज़रअंदाज करते हैं, तो तीनों में से बेस्ट स्मार्टफोन है हमारा मोटो G62 5G। लेकिन दोस्तों आप मोटो S20 फ्यूजन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि ये कमाल का फ़ोन है। गेमिंग स्मार्टफोन की कैटेगरी से आता है हमारा ये मोटो एज स्मार्टफोन। तो आप कौन सा लेना चाहेंगे, आपके लिए दोस्तों एक बेस्ट फ़ोन रहेगा इस लिस्ट के अंदर पोको एक्स फोर प्रो। जी हाँ दोस्तों, कन्फ्यूजन दूर करते हैं और ज़्यादा बोलचाल भी दूर करते हैं। पोको एक्स फोर प्रो आपके लिए कमाल का फ़ोन रहेगा, बेस्ट कैमरा क्वालिटी, बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस और बेस्ट डिज़ाइन के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। सो दोस्तों बस कन्फ्यूजन इतनी ही, ज़्यादा बोलेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगी, लेकिन पोको एक्स फोर प्रो एक कमाल का फ़ोन है, आप ले सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में यानी कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों अच्छी को नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।